हेलो दोस्त दोस्त अभी हम कॉलेज जा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्त। चलिए आपको भी दिखाते हैं कॉलेज का क्लास। अभी हम क्लास जा रहे हैं दोस्त। अगर एग्जाम के बाद हुआ तो कन्फर्म जाएगा मार डालोगे ऐसे। मध्यकालीन आर्थिक विचार ये टाइम पीरियड है 400 एडी से 1500 एडी तक। माना जाता है कॉन्स्टेंटाइन जो राजा थे उनके डेथ के साथ ही रोमन एम्पायर खत्म होता है। तो रोमन सिविलाइजेशन वहां से खत्म होना शुरू होता है। कॉन्स्टेंटाइन का डेथ होता है अराउंड 480 शायद एडी में, आपको याद है 482 एडी में। तो उनके साथ ही जो एंशियंट सिविलाइजेशन का दौर था, एंशियंट इकोनॉमिक पार्ट लोग कह रहे हैं, एंशियंट इकोनॉमिक पार्ट का जो दौर था वो फेज कंप्लीट होता है और बिगिन होता है मीडियवल इकोनॉमिक पार्ट। मीडियवल इकोनॉमिक पार्ट में अब हम लोग जाहिर तौर पर यूरोपियन थॉट का डिस्कशन कर रहे हैं। और कॉन्स्टेंटाइन राजा का जिक्र करने का कारण क्या है, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन राजा का जिक्र का मतलब होता है कि पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैला। राजा कॉन्स्टेंटाइन के साथ ही क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैला। तो अब कंप्लीट यूरोप जो था वो क्रिश्चियनिटी और उससे रिलेटेड आइडियाज लेकर के आ रहे थे। उससे रिलेटेड आइडियाज है ना, ये एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है उन्होंने याद होगा हम लोग एक समय दिख रहे थे इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। हम लोग कहते हैं कि इनिशियल इकोनॉमिक्स वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, लेटर ऑन इकोनॉमिक्स वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो ये वो फेज था यूरोप में जब रिलीजन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत हावी हुआ है ना। तो ट्रेडिशन खत्म हो रहा था, रिलीजन का इंपॉर्टेंस यहाँ बहुत ज्यादा था। इसलिए मीडियवल इकोनॉमिक थॉट को अक्सर हम लोग फर्दर दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला भाग लिखो अर्ली मीडियवल इकोनॉमिक थॉट, अर्ली मीडियवल इकोनॉमिक थॉट। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर मध्यकालीन आर्थिक विचार, पूर्वोत्तर मध्यकालीन आर्थिक विचार 470 एडी से 11 सेंचुरी तक। अर्ली मीडियवल इकोनॉमिक थॉट। अर्ली मीडियवल इकोनॉमिक थॉट इसको क्यों कह रहे हैं हम लोग, शायद तुम लोग हिस्ट्री में जरूर सुने होंगे, हम लोग हालांकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ही कह रहे हैं कि अर्ली मीडियवल जो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का
मीडियवल हिस्ट्री जिसको बोलते हैं अक्सर उसको यूरोप में हम लोग डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, है ना, डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री, पूरे मीडियवल हिस्ट्री को ही हम लोग डार्क पीरियड कहते हैं यूरोप में, क्योंकि ये वो दौर था जिस समय कुछ भी किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी भी फील्ड में, क्योंकि लड़ाइयाँ ज्यादा चली, है ना, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई पूरे फेज में, उधर क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स भी हुए, क्रिश्चियंस वर्सेस अर्लियर हिब्रूज भी हुए यहूदियों के साथ, तो बहुत सारा रिलीजियस वॉर जानते उस दौरान धर्म युद्ध उधर चला, है ना, तो ऐसे बहुत सारे केवल लड़ाइयाँ चली, इसलिए ना साइंस में, ना टेक्नोलॉजी में, ना इवन रिलीजन में, ना जो कह रहे इकोनॉमिक्स में, ना पॉलिटिकल साइंस में, है ना, किसी भी फील्ड में, ना फिलोसफी में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नाम नहीं दिखता है जिनके साथ हम लोग अटैच कर सकते कि इन्होंने बहुत डेवलपमेंट का किया, तो थॉट का डेवलपमेंट किया, ना पॉलिटिकल थॉट का डेवलपमेंट हुआ, ना हिस्टोरिकल थॉट का डेवलपमेंट हुआ, ना साइंटिफिक थॉट का डेवलपमेंट हुआ, ना इकोनॉमिक थॉट का डेवलपमेंट हुआ, इसको डार्क पीरियड इन हिस्ट्री हम लोग कहते हैं अक्सर, और ये डार्क पीरियड खत्म होता है जाकर हम लोग बाद में एक युग आया जिसको हम लोग रेनेसा बोलते हैं, रेनेसा का पीरियड यूरोप में शुरू, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्जागरण, तो वो पुनर्जागरण भी यूरोप से ही शुरू हुआ था, है ना, वो लेटर मीडियवल पीरियड के अंत में जो मर्केंटलिज्म में फाइनली आकर के कल्बिनेट करता है।